बिहार से झारखंड के लिए रेल सेवा दोबारा से बहाल हो चुकी है। यह एक अच्छी खबर है और इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन सी ट्रेन बिहार से झारखंड के लिए पहले चरण में इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे, उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। झारखंड और बिहार के अलग अलग रेल रूटों पर जल जमाव के कारण 18 अगस्त से ही रांची से भागलपुर जाने वाली वनांचल एक्सप्रेस का रूट बदल दिया गया था और ऐसे में रांची से बोकारो वो धनबाद होकर चलने वाली ट्रेन को रामपुर हाट से पाकुड़ जाने वाले रूट के बजाय दुमका होकर चलाए जाने लगी थी और ऐसे में पैसेंजरों को सुविधा हो रही थी, लेकिन उन पैसेंजरों को सुविधा नहीं हो रही थी जो कि पहले से इस ट्रेन में टिकट कराए हुए थे। और ऐसे में एकाएक ट्विटर के जरिए दर्जनों ट्रेनों का रूट डाइवर्ट हो जाने की लिस्ट जैसे ही जारी हुआ और जैसे ही हमने आपको जानकारी दिया, पैसेंजरों ने अपना टिकट कैंसिल कराना शुरू कर दिया है, जिस वजह से इस रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को परिचालन स्थिति के दौरान थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि बिहार से झारखंड जाने वाली इंटरसिटी जैसी ट्रेन का परिचालन दोबारा शुरू हो गया और ऐसे में दानापुर साहिबगंज के बीच चलने वाली इंटरसिटी ट्रेन भी आज से अपने निर्धारित रूट पर ही चलेंगी। एक अच्छी खबर यह भी है कि इसके अलावा झारखंड होकर चलने वाली कई ट्रेन का परिचालन आज से शुरू हो चुका है। ऐसे में पहले चरण में लोकल ट्रेन की शुरुआत शनिवार की शाम को ही हो चुकी थी और ऐसे में और आने वाले दिनों में रविवार को कुछ नई एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत होने वाली है। फड़क्का एक्सप्रेस के साथ साथ आज से विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन भी अपने निर्धारित रूट पर चलेगी, जो कि एक आज की सबसे बड़ी और बिग अपडेट है। बिहार टू झारखंड जाने के लिए उन सभी ट्रेनों का परिचालन भागलपुर के रास्ते आज से देखने को मिलेगा, केवल रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस को छोड़ करके। इसके अलावा गोड्डा नई दिल्ली हम सफर एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत भी जल्द होगी, लेकिन अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो अपडेट में हम इस ट्रेन को लेकर के लेटेस्ट जानकारी आपको देने वाले हैं। तो ये अपडेट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, साथ ही चैनल को कर लें सब्सक्राइब नई ट्रेनों को डिटेल्स पाने के लिए।